ये जो हम आपने बताया कि सांस को यहाँ से इधर देखना है, फिर इधर से नेक, फिर नेक से पीठ तक, पीठ से पाँव तक, हाँ तो उसमें ये वाला और ये वाला तो काफी अच्छा दिखता है, लेकिन पीठ में जो स्पाइन कॉर्ड से लेके जाना है में थोड़ा सा अभी इतना ठीक से नहीं दिख रहा है जितना ये दोनों दिखते हैं। देखिए, ऐसा है, जो एक्चुअल जो हम कहते हैं एनर्जी सेंटर, तो वो तो स्पाइनल कॉर्ड का ही है। मतलब जो कुछ भी हमें एक्सपीरियंस होता है, जैसे समझिए कि लाइटनेस फीलिंग होता है, फिर लाइट्स आते हैं या वगैरह वगैरह, जो कहते हैं कि बड़ा सा एक लाइट आता है या वगैरह, आपका स्पाइनल कॉर्ड का ही है जहाँ पे एनर्जी सेंटर शिफ्ट होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम सांस को यहाँ पे देखते हैं, जैसे विपश्यना, समझिए अभी हम गोयनका जी का ले रहे हैं उदाहरण के लिए, तो अभी हमने सांस यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। फिर 3 दिन या 3.5 दिन का तो हम यही कर रहे हैं, कहीं पे नहीं जा रहे हैं। मतलब सांस को देखने के लिए हर जगह नहीं कर रहे हैं। पहले विपश्यना करते वक्त हम सांस को भी दिख रहे हैं, फिर ये यहाँ पे कुछ संवेदना जाग रही है, जाग रही है, जाग रही करके देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, आपको तरंगे चालू होते, तरंगे कहाँ से चालू हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या? तरंगे आपको चालू होता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ही चालू होता है, एनर्जी सेंटर तो वो है। अभी मुझे दो तरह से कर सकते, एक जो गोयनका जी का जो टेक्निक है या उबाकिन का टेक्निक है या बर्मिश टेक्निक जो है, वहां से जब भी इतना जगह अभी हमने इतना छोटा बना दिया और वो ही ऊपर लेके गए, सही है ना? मतलब पहले हमने सांस को इतना देखा, फिर हमने कहाँ लेके गए, यहीं तो लेके गए। फिर गोयनका जी कहाँ कहते हैं, पीछे देखने के लिए, है ना? फिर गर्दन कहते हैं, फिर पीठ, फिर नीचे जाते 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 वही तो कर रहे हैं आप, आखिर में आप वही तो कर रहे हो। ठीक है, तो चाहे हम इस तरह से करें या उस तरह से करें, करना तो वही है। तो हमें क्या आना चाहिए, पहले हम वो समझ लेते हैं कि क्या आना चाहिए हमें। हमें ये आना चाहिए कि पूर्ण देह, पूरी देह में सांस है। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ यहां पर। तभी हमारा मन पूर्ण तरह से टॉप ऑफ द हेड टू टो, अभी हमें देखने के लिए मिल गया कि दोनों देख रहे हैं कि ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, क्या हो रहा है, एनर्जी आपका जैसे डायनमो होता है ना, वैसे आपका अभी यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। कभी ना कभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगा, रब रब करते 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 इलेक्ट्रिक करंट चालू हो गया। जब भी इलेक्ट्रिक करंट चालू हो गया तो क्या होता है, तरंगे आ जाए आ गए। अभी तरंगे आ गए तो क्या होता है, बाद में तरंगे आ गए तो भंग हो जाता है, जो वो सॉलिडिटी था वो फट गया। अभी आपको पार्टिकल्स की तरह दिख रहा है, तब आपका देह है ही नहीं है। ठीक है, अभी क्या होता है, डिसोल्यूशन चालू होता है, उत्पाद तिथि भंग। अभी भंग अवस्था होने के बाद क्या होता है, भंग अवस्था होने के बाद आयतन जो है, ये चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन, ये 6 आयतन है। अभी हम गोयनका जी का टेक्निक में क्या कर रहे हैं, देह को मतलब काय आयतन को पूरी तरह से समझ रहे हैं, वो अभी फट गया।
तो पहले ही हम आंख बंद करके बैठे हैं तो आंख चला गया, कान से कुछ सुन रहे थे वो भी चला गया, नाक से जो सूंघ रहे थे वो भी चला गया, जिह्वा हम कुछ खा नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर मैं शिविर दूसरा करता हूं तो एक ही बार खाना मिलेगा मुझे, फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो दो बार मिलेगा, सवेरे और 11 बजे 11:30 बजे वो मी जो मिलता है वो हो गया। फिर जब भी मैं एक ही बार खाऊंगा तो जिह्वा का बंद हो गया। फिर अभी काय तो पहले से ही बंद है, काय तो फट गया ना, अभी बच गया मन। मन के लिए उसको इनपुट चाहिए, कहां से, ये पांच आयतन से इनपुट चाहिए। अभी इनपुट नहीं आ रहा है, अभी इनपुट नहीं आएगा वो भी बंद हो गया, तुमने बाढ़ा गया। छह के छह इंद्रिया जो है, ये आयतन जो है वो बंद हो गए, बंद होते ही निर्वाण प्राप्त हो गया। फिर वापस आता है थोड़ी देर के बाद, बंद तो हो गया इसका मतलब ये नहीं परमानेंटली बंद हो गया, बंद थोड़ा बंद हो गया फिर वापस आएगा। वापस जब भी आएंगे आप आदमी तो वही हो पर पूर्ण तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी आपने देखा अब तक मैं जो समझता था मैं हूं वैसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। ये होता है गोयनका जी का टेक्निक में होना चाहिए, जैसे वो 10 दिन के अंदर ही आपको ये पूर्ण तरह से होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी 7 दिन में आज होता है, 6 दिन में होता है, 5 दिन में होता है या 10 दिन में होता है। कभी कभी एक शिविर में भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, 50 करो 100 करो वो नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहेगा, जितना एक्सपेक्टेशन रहेगा तो वो तो नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक बर्मिश टेक्निक हो गया। अभी हम पकड़ते हैं अजान टेक्निक, जैसे अजान चा, अजान ब्रह्म, अजान अमरो, अजान जो कुछ भी, अजान जो नाम है, हाई का जो ट्रेडिशन है अजान ली, वैसे हम सारे लोगों को ले देते हैं। उनका क्या है, उनका ये नहीं है, जो गोयनका जी का है वो उनका वो नहीं है। अभी उनको देखते हैं कि इस तरह से होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम उसको सही तरह से समझेंगे। पहले वो कहते हैं कि सांस के ऊपर देखते रहो, ठीक है। गोयनका जी का भी सांस के ऊपर है, इनका भी सांस के ऊपर है, ठीक है। गोयनका जी का वो सील के ऊपर है और यहाँ पर भी सील के ऊपर नहीं। इनमें क्या है, इनमें विनय के ऊपर है। विनय में दो चीज आता है, एक आता है कि हिरी और वत्तप्प। हिरी का मतलब है कि अगर कुछ गलत करने का सोच है तो लज्जा हो जाएगा, वो छोड़ देगा, ये हिरी हो गया। वत्तप्प का मतलब है कि जो अगर गलत अभी भी हो गया समझो तो वो इतना डर जाएगा कि मेरा आगे क्या होगा, ऐसा सोचना चालू हो जाएगा, तो वो बाद में करेगा नहीं। तो ये हीरी वत्तप्प है और इनका ऐसा है, ठीक है। तो अभी मेरे सांस के ऊपर तो देखना है, चाहे मैं गोयनका जी का फॉलो करूं या इनका फॉलो करूं, किसी का भी फॉलो करूं, ये करना है। और यहाँ पे क्या होता है, वहां पे क्या था, 3 दिन यहाँ देखना है, 3.5 दिन, फिर बाद में आपको सेंसेशन देखनी है। ये अजान ली, अजान जितना भी अजान चा, अजान का जो टेक्निक है उसमें ये है कि आप सांस को यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, फिर पीछे देखो, फिर पीछे देखो, फिर नीचे देखो, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चालू करो।
तो वहां पर भी डायनामो इफेक्ट है, यहां पर भी डायनामो इफेक्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों है, इन दोनों में ऐसा क्यों है? इन दोनों में इसलिए है कि दोनों वही कहते हैं, एक कहता है कि बॉडी को समझो, दूसरा कहता है सांस को समझो। एक कहता है बैठ के ध्यान करो, एक कहता है हर कोई इसमें ध्यान करो, ठीक है। जैसे हमने शिविर 20 दिन का लिया या 30 दिन का लिया या 45 दिन का लिया, 60 दिन का लिया, गोयनका जी का टेक्निक में भी वॉकिंग मेडिटेशन वगैरह आता है, पर जितना अजान का जो टेक्निक है, थाई का जो टेक्निक है, उतना तो नहीं है। गोयनका जी का टेक्निक में या उबाखिन का जो टेक्निक में बैठ के करना ज्यादा है, चल के करना कम है। अजान की टेक्निक में बैठ के करना कम है, चल के करना ज्यादा है। अभी हम देखते हैं किसके लिए ये है, किसके लिए वो है। अगर मेरा मन बहुत इधर उधर घूमता रहता है तो बैठ के करूंगा तो नींद आ जाएगी, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आलस्यपन है, बैठूंगा तो और आलस्य हो जाएगा, ऐसे ऐसे गिरता जाएगा, क्या फायदा है? इससे अच्छा पैदल चलो, सांस के देखते रहो, और जो पैर फ्लोर पे टच हो रहा है वो देखो। तो अभी क्या हो रहा है, अभी यही देखते हैं। जैसे पैर में टच हो गया तो आप देख रहे हो कि पैर फ्लोर पे टच कर रहा है, जमीन पे टच हो रहा है, तो उसका संवेदना देखना है। पृथ्वी का संवेदना आ रही है, आपो का आ रही है, तेजो का आ रही है, वायु का आ रहा है, कौन सा आ रहा है, या सारा पांच का आ रहा है, देखना है। सांस को तो देख रहा हूं, ये भी देख रहा हूं, तो फिर से डायनामो इफेक्ट हो गया। पहले हम मैं तो यहां देख तो रहा हूं, तो पैर में टच हो रहा है, वो टच होते होते मुझे पूरी बॉडी में तरंगे चालू हो गए चलते हुए, ठीक है। तो मुझे करना है पूरी बॉडी में तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे आना चाहिए, 24 हावर्स तरंगे चाहिए एक्चुअली में। अगर मुझे सोते वक्त तक आ गया तो भी बहुत हो गया, बहुत पा लिया मैंने, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो वही होना चाहिए कि यहाँ पे कोई मर्द है, स्त्री है, ये है, वो है, ये लकड़ी है या ये कंप्यूटर है, वो है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली, सिर्फ वाइब्रेशन है। बेसिकली एनर्जी का मतलब है वाइब्रेशन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी हमें दो चीज मिल गया, एक है पांच धातु और दूसरा हो गया वाइब्रेशन, यही दो चीज है, इसके अलावा तीसरा वाला है ही नहीं है। अगर ये दोनों जुड़ गए तो लगता है मैं हूं, लगता है, तो मैं तो नहीं हूं तो लगता है हाँ मैं हूं, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं लेटा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं चबा रहा हूं, वगैरह वगैरह, मैं ऐसा कह सकता हूं क्योंकि वाणी है, आवाज है, इसीलिए तो मैं कह सकता, पर वैसा तो कोई भी नहीं है वहां पे। क्योंकि अगर हम सही तरह से करते हैं तो यहां से लिए, यहां लिए, यहां लिए, पीछे लिए, नीचे लिए, वही तो आप गोयनका जी टेक्निक में भी करते हो, पर फर्क इतना है वो अभी हमने उसको कह दिया कि बॉडी का सेंसेशन देखो। बॉडी में दो 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 है ना, एक सांस तो बॉडी में ही है, बाहर थोड़ी है उभा, yes। दूसरा सेंसेशन मतलब क्या है, पटवी आपो तेजो वायु, मूवमेंट हो रहा है ये सांस के साथ, वो भी मूव हो रहा है, तो वो दोनों आप देख रहे हो, ये टेक्निक में भी वही है, वो टेक्निक में भी है, ये तो कहना एक अलग से कह रहे हैं, ये अजान थाई का टेक्निक में ये अलग से कह रहे हैं। तो अगर कोई कहे कि बर्मिश ट्रेडिशन में थाई ट्रेडिशन में कुछ फर्क है क्या, हाँ फर्क है,
क्या फर्क है? बर्मीज ट्रेडिशन में अभिधम्म पहला चालू होता है, क्योंकि वो विशुद्ध मग को फॉलो करते हैं, अभिधम्म आता है। उसके नीचे विनय आता है, उसके नीचे सुत्त आता है। इसीलिए गोयनका जी उनको जितना सुत्त है उतना ही लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं, इतना ही देखना है। तो इसीलिए अगर कोई असिस्टेंट टीचर मिल गए तो उनको सुत्त के बारे में बात करेंगे तो उनको, वो तो पढ़े नहीं है, उनको गोयनका जी जितना बताए उतना ही लेना है, तो वो कहेंगे बाकी सब थीरी है। क्योंकि उनका ट्रेडिशन में, बर्मिश ट्रेडिशन में अभिधम्म, विनय, फिर सुत्त, ये इनका है। इसीलिए मेन फोकस है कलाप के ऊपर, क्योंकि मुझे कलाप आना चाहिए, क्योंकि वो अभिधम्म में है, वो अब सुत्त में तो नहीं है, कलाप तो इसमें है। तो गोयनका जी कहेंगे तो अब कलाप आना चाहिए, सही बात है, तो गलत नहीं है, पर ये मेन फोकस है कलाप के ऊपर। अभी हम आते हैं थाई के ट्रेडिशन में। थाई के ट्रेडिशन में अगर देखा जाए तो ये है कि पहला उनमें आता है विनय, फिर दूसरा सुत्त, और तीसरा अभिधम्म, मतलब उनका नीचे है अभिधम्म, इनका पहला ऊपर है, इनका नीचे है। अभी वो क्या करते हैं, सांस को ले लेते हैं, क्योंकि विनय आपको अगर डिसिप्लिन करना है तो विनय चाहिए। अगर मैं किसी स्त्री को या किसी को देख रहा हूं, मेरा सांस तो चेंज हो जाएगा, जैसे एक लड़की आ रही है सुंदर लग रही है तो मेरा सांस चेंज हो गया, उतावला चालू हो गया, अरे कितनी अच्छी है, क्या है वगैरह। तो वैसा नहीं होना है मुझे, अगर वैसा नहीं हो तो सांस के ऊपर रखो, रहो ना, क्यों वो देख रहे हो। पहला सांस हो गया, मतलब पहला हो गया विनय। फिर आएंगे सुत्त के ऊपर, तो उनका आनापान सती ज्यादा होता है, यहां पे महासती पठान लेते हैं गोयनका जी, फिर वहां से वो ट्रैवल करेंगे, ये लेंगे आनापान सती से। फिर तीसरा इनका अभिधम्म आता है, वो कह देते हैं कि अभिधम्म क्या है हमें पता नहीं, वो उसे छोड़ ही दो। गोयनका जी कहेंगे यही सत्य है, यही लेना है, और ये कहते हैं कि उसको लेने की कोई जरूरत नहीं, वो छोड़ दो, इतना डिटेल किसको चाहिए। सही है, क्योंकि उतना डिटेल में खाने के लिए जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास 121 चेतसिक है, चित्त आ रहे हैं, इतना चेतसिक है, कौन काउंट करके बैठेगा, ये कुशल चित्त है, अकुशल चित्त है, क्रिय चित्त है, वो चित्त, अरे छोड़ो ना यार, एक चित्त भी देखा नहीं है मैंने, 121 कहां से देखूं। तो ये जो फलूडा का हो गया, अभी मेरे लिए तो सांस देखना ही बहुत हो गया, इसके ऊपर 121 कौन देखेंगे, 54 कौन देखेंगे, 89 कौन देखेंगे, ये क्या पागलपन है। तो ये चक्कर हो गया। तो दोनों ट्रेडिशन सांस के ऊपर ही करते हैं, एक अलग किस्म का लगता है, जब भी वो सेंसेशन कहते हैं, या वो कहते हैं कि तरंगे, तरंगे का मतलब है वाइब्रेशन, ठीक है। तो गोयनका जी कभी कभी वाइब्रेशन कहते हैं, कभी कभी तरंगे कहते हैं, कभी कभी फ्री फ्लो कहते हैं, कभी कभी धारा प्रवाह कहते हैं, और कौन सा भी भाषा में कहे तो वो तरंगे ही है, वाइब्रेशन ही है। तो अब अगर आप सांस को अच्छी तरह से देखोगे तो भंग अवस्था तो आ ही जाएगा। तो आप यहां से यहां ही जा रहे हो, गोयनका जी का टेक्निक में भी आप सर के ऊपर ही जा रहे हो, फिर वहां से पीछे ही आ रहे हो, और वहां से गर्दन तक आ रहे हो, फिर पीठ यहां से यहां से यहां से यहां से होते हुए नीचे पैर तक तो आ रहे हो, फिर ये शोल्डर होते हुए ये अंगूठे तक तो आ रहे हो, वही तो कर रहे हैं, चाहे आप इसको करो या उसको करो,
करना तो वही है, ठीक है। तो ये तो करना ही पड़ेगा दोनों साइड में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हमें करना ही पड़ेगा। क्यों? ये है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है। अभी हमें उसको रब करना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होना चालू हो जाए। जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वो कहाँ रहती है, स्टोर हाउस किधर है? स्टोर हाउस तो स्पाइनल कॉर्ड है, और कहीं पे जगह ही नहीं है। तो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पार्क करते हैं, और उसका सही तरह से देखा जाए, वन ये पीछे से ऐसा आने के बाद 1 2 3 थर्ड जो बोन है वहां से चालू हो जाता है, फिर वहां से ये लास्ट का जो टेल बोन जो कहते हैं वहां तक एनर्जी सेंटर है। इसको कुंडलिनी भी कहते हैं, अगर आपने सुना है तो एक एक ट्रेडिशन, मतलब हिंदू का ट्रेडिशन देखेंगे तो कुछ और कहेंगे, कोई और ट्रेडिशन लेंगे तो कुछ और ही कहेंगे, पर जो कोई भी कुछ भी कहे, सच बात तो ये है, हाँ है। तो जब भी एनर्जी सेंटर्स मूव होते हैं, तब शेकिंग होना चालू हो जाता है, तो जितना भी आपका अनुशय क्लेश है, जो स्टोर्ड इमोशंस है, इस जन्म का हो किसी जन्म का हो, वो तो बाहर आएंगे ही। तो कैसे आएंगे? वो दर्द देके ही आएंगे आपको, या पीठ में दर्द होगा, या यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे दर्द होगा, या सर में दर्द आ जाएगा, या पैर में दर्द आ जाएगा, या ये जो घुटने हैं वहाँ पे दर्द आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो दर्द आके ही वो निकलेगा। दूसरा, भारीपन, इतना बॉडी भारी लगेगा, ऐसा लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, तो ऐसा आपको एहसास होगा क्योंकि वो स्टोर्ड है अनुशय क्लेश, तो वो पेन होते ही बाहर आएंगे, वो प्लेजर तो देंगे नहीं। तो इसीलिए हमें शेकिंग नहीं करना है, अगर शेक कर दिए तो फिर वहीं पे चले गए, उभार नहीं आएंगे, उभर के तो आना है। तो गोयनका जी कहते हैं कि संखार आ रहे हैं, उसको आप देखो, संखार आ रहे हैं जा रहे हैं, आज आ रहे जा रहे हैं, उसको रिएक्ट मत करो। सही कह रहे हैं, पर थोड़ा गलत है, पर पूर्ण तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों मिक्स होके आते हैं। हमें ये देखना है कि संखार कौन सा है और बॉडी पेन कौन सा है, ये हमें देखना पड़ेगा, वो परखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे हमने बैठ गए, समझो कि मुझे आर्थराइटिस है, ऐसे बैठ गया पर प्रॉब्लम चालू हो गया, क्योंकि वो संखार नहीं है, वो तो बॉडी का प्रॉब्लम है, वो संखार नहीं है। तो हमें संखार समझ में आ जाएगा जब भी वो भारीपन से लेके आता है, तो वो संखार है। अगर भारीपन नहीं है, सिर्फ पैरों में, घुटनों में या कहीं पे दर्द है, वो संखार नहीं है। तो बॉडी थोड़ा स्लोली उसको एक्सटेंड करना है, सांस के ऊपर देखना है, छोड़ देना है, फिर वो सही हो जाएगा, फिर वापस बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर संखार है तो वो इतना आपको भारीपन लेके बाहर आएगा, ऐसा गर्म गर्म का आपको बॉडी फीलिंग हो जाएगा कि ऐसा लगे आग लग गया हो, ऐसा आपको लगेगा। तभी हमें समझ में आता है कि हाँ ये संखार है। तो अभी क्या करना है, अनिच्छावत संखार उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति ते सन उपसमो सुखो। अभी मुझे समझ में आ गया अनिच्छावत संखार, अभी ये तो आएगा जाएगा। उपादवय धम्मिनो, ये उपाद में है, वय तो हो रहा है, ये धम्म है, धम्म का मतलब ये है कि पृथ्वी आपो तेजो वायो आकाश,
ये पूर्ण तरह से मिल के कुछ फलूडा बन के ये आ रहा है। तो अभी मुझे गर्म 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 लग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है कि आग में ही बैठा हूं, आग मुझे लिपट गया कि नीचे से ऊपर तक सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रहा है कि, और ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे आग से पूरा मेरा बॉडी को आग में लगा दिया हो, जैसे पेट्रोल डाल के किसी ने आग में लगा दिया हो, या इतनी भारी लग रहा है कि मुझे तो सांस लेना भी डिफिकल्ट हो रहा है। वैसा आपको अगर अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो स्पाइनल कॉर्ड से दबाते हुए वो जो संखार है आ रहा है, आने के बाद ऐसा पेन करेगा पीछे से, ये पूरा ऐसा लगेगा बाप रे बाप ये क्या हो रहा है। तो रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। थोड़ी देर का मतलब 10-15 मिनट का नहीं है, पूरी दिन लगेगी। आप चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, लेट नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, पूर्ण तरह से उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर वो दर्द वाला है, मतलब पुण्य अपुण्य वाला है, तो यही करेगा वो। ये बाहर आ गया तो नरक से जो जा रहा था मेरा मन, अभी मरने के बाद नरक जा रहा था, वो नरक मैंने अभी देख लिया। अभी नरक नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वो चला गया, अभी आ गया चला गया। उपाद वय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जंती, उपाद होके वो बाहर आ गया, निरुज्ज हो गया, मतलब वो फिर आएगा नहीं। निरुज्जंती ते सन उपसमो सुखो, भी वो चला गया। जैसे वॉमिट किया वैसे मैंने वॉमिट कर दिया करके वो आ गया। तो अभी वॉमिट करते वक्त तो बहुत पेन होता है, वॉमिट करने के बाद तो कोई पेन नहीं, अभी आराम से बैठा हूं, हा हा हा, अभी सोतापन का मैं मजा लूट रहा हूं, क्योंकि वो पूरा आके चला गया। ठीक है, ये बैठ के अगर करेंगे तो ये होता है जो अभी मैंने आपको बताया। अभी चलते करेंगे तो भी होता है क्या? होता है, बहुत दर्द देगा एक दिन आपको अगर वैसा संकार है तो। ऐसा नहीं कि मुझे हो रहा है तो भी वो आपको भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपका संकार बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब वो बाहर ही नहीं आएंगे अभी, तो आपका मोह ज्यादा बढ़ जाएगा। किस चीज पे? खाने की चीज पे। ऐसा लगेगा खाते रहूं, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, ऐसा लगेगा भूख है, बहुत भूख है, बहुत भूख लग रहा है। तभी समझना चाहिए संखार आ रहा है, अभी मुझे खाना नहीं देना है, इसको खाना नहीं देना है। वो देखना पड़ेगा, वो जितना भी भूख लगे लगने दो, तभी वो बाहर आ जाएगा तो चला जाएगा, फिर भूख मिट गया। क्योंकि मैं कभी एक पिग बना था इसी जन्म में, उसका पिग का वही है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अभी फॉर्चुनेटली अभी मैं मानव बन गया हूं, पर अंदर तो पिग का ही संखार है ना मेरे पास, तो वो आ जाएंगे। ऐसे सांप का भी आता है, ऐसे ही बंदर का भी आता है, जी कौन सा भी प्राणी है वो आएगा। कौन सा भी क्या हमने कौन सा जन्म लिया है वो सब आ जाएंगे। अभी एक ही साथ आएंगे या थोड़े थोड़े आएंगे, वो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमें नीचे का खत्म करना है। नीचे चार जो अवस्था है उसको खत्म करना है। तो पहले आएगा प्रेत का, जब हम स्केलेटन देखते हैं तो डरावनी चालू हो जाएगा। अगर ऐसा है, डरने की बात नहीं है, बुद्ध धम्म संघ के ऊपर इतना ये करना है कि वो कहता रहेगा नहीं, कोई खड़ा है तुम्हें काट लेगा, ये कर देगा, वो
आपको बुद्ध धम्म संघ के ऊपर श्रद्धा, बहुत श्रद्धा, अंध श्रद्धा हो या कौन सा भी श्रद्धा हो, अभी उस वक्त में श्रद्धा आपको बहुत टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेत का संहार है, तो वो तो आ जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, आएगा वो, अगर है तो प्रेत का आ जाएगा। फिर तिरच्छ योनि का आएगा, मतलब ये प्राणी का आएगा। फिर नरक का आएगा, आग आगी आग आगी आग आगी आग, इतना आग आपने लाइफ में देखा ही नहीं है, इतना जलन होता है, इतना जलन होता है कि पागल हो जाओगे, पैर इतना जलता रहेगा जैसे किसी ने आपको अंगारे में कह दिया कि वॉक करने के लिए, ऐसे होता है। सर के ऊपर आंख कान सब ऐसा हो जाएंगे कि बाहर से कोई देखेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है। आप शुगर टेस्ट करो, शुगर सही है, ब्लड टेस्ट करो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो भी सही है, हार्ट का टेस्ट करो वो भी सही है, सारा टेस्ट सही है, और आप सो नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, लेट नहीं पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो आपको सताएगा, वो सहना है, सहने के बाद वो नरक का जो संखार था वो चला गया, शांत हो गया, अभी चला गया, तो तीन हो गया। चौथा असुर का, असुर का क्या होता है कि हमें पागल की तरह बात करना चालू करते हैं, कभी कभी गुस्से में करते हैं, कभी ऐसा करने चालू हो जाएगा, तो वो समझना चाहिए कि वो बाहर आ रहा है, तो रिएक्ट नहीं करना है, जो बाहर आ रहा है आने दो, तो थोड़ी देर के बाद वो निकल जाएगा। तो ये चारों का हो गया, अभी हम मनुष्य बन गए, अभी जो योनि में आएंगे तो मनुष्य का योनि में ही आएंगे, अभी ये चार योनि में तो नहीं आने वाले, तो ये तो कट गया। अभी देवता का अगर मुझे पहले से ही था तो वो तरंगे अजीब तरह के रहेंगे कि आपको इतना सुख की लगेगा, अरे भाई ये बदन को क्या हो गया, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, ये हवा के झोंके की तरह क्यों हो रहा है, वो संखार है देव का, और ऐसा लगेगा देते ही रहो देते ही रहो, जो कोई भी पूछेगा उसको दे दो, हाँ ये इसने पूछा ले लो भाई, अच्छा तुम्हें ये चाहिए ले लो, तो वो संखार है। अभी वहीं पे रुक गया तो ये जरूर हो जाएगा कि अगला जन्म या मानव के मतलब योनि में हो जाएगा या बिना योनि है देव, ये हो गया। फिर उसके बाद में भूमि आता है ब्रह्म का, बहुत सारा भूमि है, एक संक्षिप्त में कह देता हूं, जो हम कल कर रहे थे, जो मेट्टा भावना जो कर रहे थे, हमें अगर वहां पे रहेंगे ब्रह्म विहार में रहेंगे तो क्या होता है कि संखार जो है वो ब्रह्म का संखार है, जो उपोसत्त सुत्त में लिखा है वैसा ही है, इतना निर्मल हो जाएगा कि कुछ भी कर सकते हैं, अभी आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, जो कहेंगे हो जाएगा, इतना अच्छा संखार रहेंगे, अपने आप आ जाएंगे मन में, ये संखार आ गया इसका ब्रह्म का। तो हमने क्या किया, ब्रह्म विहार एस्टैब्लिश कर दिए। अभी ब्रह्म विहार एस्टैब्लिश हो गया तो क्या होगा, अभी मैत्री आ गया, पूर्ण तरह से मैत्री आ गया, तो अभी हम किसी को देख नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है सारा मैं ही हूं, अगर किसी को चोट लगती है तो मुझे चोट लग गई,
किसी को ऐसा हो गया तो मुझे हो गया, कोई मर गया तो लगता है मैं ही मर गया, ऐसा समझना चालू हो जाएगा और वो रोता रहेगा। किसी को कुछ हो गया तो वो रोएगा, अरे क्या पागल आदमी है, क्यों रोता है वो, कहीं कोई एक्सीडेंट में मरा, ये क्यों इतना चिंतित है कि उसको ब्रह्म का हो रहा है। तो वो हर जीवी को अपना ही समझेगा। माता यता नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तम अनुरक्षी एवं पि सब भूतेषु मान संभावये अपरिमानम मेट्टम च लोक लोक सब लोकस्मिम मान संभावये अपरिमानम बुद्धम अदोच तिरियंच असंभादम अवेरम असपत्तम इत्थम तिरम निसिन्नो वा सयानो वा या वा विघत विद्धो एवं पि सब भूतेषु क्या होगा ब्रह्म विहारम इदम आहु। जब हम वो अवस्था में रहेंगे तो ब्रह्म विहार हो गया। अगर इस वक्त में मरता हूं तो अभी चार जाना है, प्रथम जाना द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो ये जाना में पहले जाना में मरूंगा तो एक ब्रह्मलोक में पैदा हो गया, दूसरा मैं मरूंगा तो सेकंड ब्रह्मलोक में चालू वहां पे पैदा हो जाऊंगा, तीसरे में मरूंगा तो तीसरा, चौथे में मरूंगा तो अनागामी स्टेज पे चला जाऊंगा। फिर भी वो संखार है। तो सांस से हमने चालू किया संखार को निकालने के लिए, चाहे आप गोयनका जी का रूट में करेंगे या अजान टेक्निक से करेंगे या श्रीलंकन से करेंगे या किसी से भी, ये तीन ही है तेरावाद करके, जो क्या कहते हैं नवयान या जो अंबेडकर का जी है वो इतना विस्तार में तो नहीं है, वो इसके लिए है भी नहीं है, वो सिर्फ सोशल जस्टिस के लिए है कि आप अच्छे बने, वो उसके लिए है, ये अलग है और वो अलग है। तो अगर हम तेरावादा फॉलो करते हैं तो ये है, तो हमें सांस के ऊपर से वाइब्रेशन मतलब तरंगों से हमें प्राप्त करना है, संखार को बाहर निकालना है और खत्म करते जाएंगे, संखार चलते जाएगा बाहर चलते जाएगा तो समता हो गया, संखार का समता हो गया। सब संखार समथो सबूपदी पटि निसग्गो तनहखयो विरागो निरोधो निबाण। जब भी पूर्ण तरह से संखार खाली हो गए, अभी ना मुझे जलन की अवस्था आ रही है ना कोई वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आराम से है। थोड़ी देर के बाद सारा सिक्स सेंसेस बंद हो जाए, जैसे बंद हो गया निब्बाण प्राप्त हो गया। अभी मैं जितनी बार भी निब्बाण करना है कर सकता हूं, बैठे हुए लेटे हुए चलते हुए किसी भी अवस्था पे निब्बाण हो जाएगा। आपका प्रश्न का इतना बड़ा आंसर है, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा हो गया सर, आपके आंसर लंबे होते हैं लंबे होते हैं, वो बोर ना हो जाए। इसी में थोड़ा सा और एक्सटेंशन करूंगा मैं, करिए। थाई ट्रेडिशन जो है वो ज्यादा कुछ बताते नहीं कि किस तरह से, जैसे बाकी इसमें कलाप है, कलाप का वो देखना है फिर बाद में बंद हो जाता है, उनका कैसे डिसोल्यूशन होता है? वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो अभिधम रूट लेते ही नहीं है। ओके, विशुद्धि मग वो लेंगे ही नहीं। कलाप जो है, जो जिक्र है, वो पूर्ण तरह से विशुद्धि मग बुद्ध घोष का है और वो कमेंट्री है, वो बुद्ध वाणी नहीं है, तो इसलिए वो लेते ही नहीं है। लेकिन सर वो तो सम्मा समाधि तो है, आर्याष्टांगिक का मार्ग, सारे लोग वही कहेंगे, पर कमेंट्री कमेंट्री होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होती है। अगर मुझे कमेंट्री लेना है तो कमेंट्री कमेंट्री हो गया ना।
हाँ भले उसने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हो तो उसका इंटरप्रिटेशन है, हम क्यों इंटरप्रिटेशन में जाएं? मुझे तो ओरिजिनल सोर्स चाहिए, ओरिजिनल सोर्स ले लिए। श्रीलंकन में क्या होता है, वो सुत्ता का रूट लेते हैं तो उनका होता है देसना, जैसे ये आपका बहन जो गई थी श्रीलंका, वहाँ पे ये ध्यान व्यान तो होता नहीं है। अगर वो पाओक ट्रेडिशन, बर्मीज ट्रेडिशन है या कोई विपश्यना का ट्रेडिशन है तभी वहाँ पे बैठ के ध्यान होगा, नहीं तो वहाँ पे देसना सुनने के लिए जाएंगे। हर जगह देखो देसना ही देसना, ये थेरो है वो इनको समझा रहे हैं, वो थेरो है उनको समझा रहे हैं, सिर्फ सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो तभी हो जाएगा सुतापन्न। तो उनका वो है, तो वो पहले लेते हैं सुत्ता, दूसरे लेते हैं विनय, तीसरे अभिधम्मा। मतलब अभी हम अगर तीनों ट्रेडिशन को देखते हैं, सिर्फ बर्मीज ट्रेडिशन में अभिधम्म का ज़्यादा जिक्र है और दो ट्रेडिशन में उतना जिक्र नहीं है। श्रीलंकन वाले अभिधम्म को मानते हैं, विशुद्धि मग्ग को भी मानते हैं, क्योंकि विशुद्धि मग्ग वो श्रीलंका अनुराधपुरम में ही हुआ था इसीलिए वो मानते हैं। पर ओरिजिनल जो है वो जो त्रिपिटक जो है उसमें दुपिटक मतलब ये क्या कहते हैं सुत्त और विनय, ये दो को ज़्यादा महत्व देते हैं, अभिधम्म को नहीं देते, क्योंकि वो स्टोरी है कि बुद्ध भगवान गए थे अपने माँ को सिखाने के लिए वो वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे अभिधम्म हुआ। पर कहीं पर भी बुद्ध ने 40 साल में कहीं नहीं कहा कि मैंने माँ को सिखाने के लिए वो जो तावितम से गया था वहाँ पे मेरे माँ को सिखाया और ये अभिधम्म है, कहीं पर भी नहीं है। विभांग है पर अभिधम्म के बारे में जैसे कलाप है वो वगैरह वगैरह है वो है ही नहीं। अभी हमें मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, फिर मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं आपके ऊपर है। तो अगर मैं बर्मीज ट्रेडिशन फॉलो करता हूं तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। और देखिए पाओक ट्रेडिशन है, पाओक ट्रेडिशन तो पूरा विशुद्धि मग्ग है, तो अगर मैं पाओक मोनेस्ट्री जाऊंगा चाहे चाहे वो बर्मा में हो या श्रीलंका में हो या थाईलैंड में भी हो या इंडिया में भी हो, तो वो जैसे कहेंगे जो वो जो साइड ऑफ है जैसे कहेंगे वैसे ही मुझे करना पड़ेगा, चाहे मैं मानूं या ना मानूं मुझे तो करना पड़ेगा। अगर साइड ऑफ का टेक्निक है, कोई भी साइड ऑफ, महिषी साइड ऑफ, मिंगुन साइड ऑफ, ये साइड ऑफ, वो साइड ऑफ, लेडी साइड ऑफ, कोई भी साइड ऑफ होने दो, वो यही फॉलो करेंगे। जैसे अजान का टेक्निक है वो एक फॉलो करेंगे, ये साइड ऑफ का टेक्निक होगा वही फॉलो करेंगे, चाहे वो गोयनका जी करते हो या गोयनका जी फॉलोअर करते हो, वो तो साइड ऑफ का ही करेंगे। परमिस का तो साइड ऑफ है, बस हो गया। और उबाखिन तो साइड ऑफ सही वहीं से आया है, ट्रेडिशन तो वही है, से तो आएगा ऐसा है। तो सांस दोनों बात करते हैं, श्रीलंका आ गए तो पागल हो गए क्योंकि वहां पे सांस के बारे में कुछ है ही नहीं है। वो कहेंगे सुनते बैठो, जब भी आप सुनते बैठेंगे तो सोतापन हो जाएंगे। कैसे, ये क्या पागलपन है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अभी थोड़ा समझते हैं। सोत मतलब कान, आपन्न सुन के आ गए, ये अजीब है वो सच है, वो जो कह रहे सच है। सोतापन का मतलब वही है, आप सुनने के बाद आपको समझ आ गया इसलिए सोतापन बन गए। अरे बाप रे, तो वो संखार वगैरह कुछ नहीं आएंगे? आएंगे, वहां पर भी आएंगे, वहां पर भी तकलीफ होगा हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि जो उतने श्रीलंका में सुनते हैं वो सारे सोतापन बन गए? नहीं, जैसे साइड और टेक्निक जो कोई भी करता है वो उनको ये सब हो गया? नहीं, जो थाई ट्रेडिशन फॉलो करते हैं उनको ये सब हो गया? नहीं। अभी प्रॉब्लम ये है कि क्यों नहीं होता है,
इसका अजीब प्रॉब्लम है। तो इसमें पहले हमें देखना पड़ेगा हम नहीं है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं होने वाला, इस जन्म में तो नहीं होगा। अभी आपका कुछ भी करो, कौन सा भी टेक्निक आजमा लो, नहीं होगा। तो अभी हमारा प्रयास ये चल रहा है कि पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश एक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें धातु के ऊपर रहना है। इम्पॉर्टेंट है, धातु के ऊपर रहना इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम साइडो टेक्निक फॉलो करें या अजान टेक्निक फॉलो करें या कोई सा भी टेक्निक फॉलो करें, ये तो हमें धातु समझना है। इसलिए हमने पहले आकाश को लिया क्योंकि इजी है, फिर पृथ्वी को लिया डिफिकल्ट है, पृथ्वी को समझना उतना आसान नहीं है। हम आपो को समझ सकते हैं पर पृथ्वी को उतना नहीं समझ सकते जितना आपो को समझ सकते। फिर तेजो को आएंगे, तेजो बहुत सटल है, इतना पृथ्वी से डिफिकल्ट नहीं है पर उतना आसान भी नहीं है जैसे आपो का है, उतना नहीं है। फिर वायु को आएंगे, वायु तो आपको मिलना 1,00,000 में एक आदमी को मिल जाएगा अच्छी तरह से वायु, अगर वो सब समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप धन्य है, अगर नहीं मिला एक बाकी तो है ना, उससे तो बन जाएगी। ऐसा नहीं कि वो चाहिए, अगर हम पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश की तरह करेंगे तो वो पूर्ण तरह से चाहिए। अगर हम जॉइंट होके करेंगे रूप तो उसमें नहीं चाहिए, क्योंकि रूप के बारे में बाद में वेदना आएगा, संज्ञा आएगा, संखार विज्ञान आएंगे, तो हमें पंचखंड देखेंगे तो इतना विस्तार से उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1-2 को देख लिया, बाकी तो उसमें से समझ समा गया है, बस हो गया, आपको वो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना हमें देखना है हमें धातु का एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर धातु का एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप नहीं है तो है, ठीक है। तो नहीं है कि अगर हम नहीं है, नहीं है तो पद परम नहीं है, नहीं है इसका मतलब ये है कि आपको कोई गुरु चाहिए जो सिखाए, आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई आपको सिखाना पड़ेगा और वो मिनिमम सोतापन होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए वो सोतापन है, नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये प्रॉब्लम है अगर कोई नहीं है तो, समझिए वो जो सिखा रहा है वो सोतापन है, तो डेफिनेटली आपको सोतापन बना देगा, ये तो गारंटीड है। अगर वो सोतापन है तो आपको भी सोतापन बना के छोड़ देगा, फिर वो बाकी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसके आगे गया नहीं है तो उसका वहीं पर रुक गया। तो वो संखार जो आएंगे, ये 4 नीचे जो जाने वाले थे वो संखार कट गए और वो सोतापत्ति फल पे आ गया। चाहे आप गोयंका जी का फॉलो करो या वो अजान का फॉलो करो, वो दोनों टेक्निक में सोतापन तक तो आसानी से आपको पार कर लेगा। जैसे वो कहते हैं वैसे ही करेंगे, पर परंतु आप नहीं होना चाहिए तभी ये मुमकिन है, ठीक है। अभी मैं कौन सा फॉलो करूं, अजान को फॉलो करूं या गोयंका जी को फॉलो करूं, ये आपको द्वंद्व है, इसको कहते हैं विसी की इच्छा, डाउट। पहले वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि वो लेंगे ये लेंगे। इसके लिए आपको एक सोतापन चाहिए कल्याण मित्र, जो आपको कहे कि ये भी करो या वो भी करो, कैसा भी करो ऐसा करो, और उसको देखना चाहिए कि ये कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, तभी वो सोतापन तक लेके जाएगा। अगर आपका कल्याण मित्र जो है वो सकदागामी है, वो सोतापन तक तो ले तो जाएगा पर वो सकदागामी तक भी आपको लेके जाएगा, तो मिनिमम आपको मिल जाएगा सोतापन, वो सकदागामी हो या ना हो,
ये संखार तो वो आ जाएंगे जो सोतापत्ति फल तक आपको लेके जाए, ठीक है। तो नीचे तो आप जाने वाले नहीं हो, ये तो गारंटीड हो गया। एक ही लाइफ मिलेगा ऐसा कुछ है? हाँ है। अगर वो संखार जो है वो इतना लाइट हो जाएगा कि आपको पोसेशन मतलब ऐसा लगाव नहीं रहेगा कि ये मेरा है ये तेरा है, वो चला जाएगा और मेरा और तेरा संखार निकल जाएगा। अगर निकल गया समझ लो आपने पार कर ली, सात जन्म था इसका और ये इसमें एक ही जन्म है, इतना तो आपका बेड़ा पार हो गए, धन्य है। तो ये दो हो गया। अगर आपका कल्याण मित्र है वो अनागामी है, बहुत अच्छे, अभी आप सोने पे सुहागा हो गया, अभी ये तो कर देगा, और उसका संखार कैसा रहेगा? ना काम छंद है ना व्यापाद है, मतलब आप उस गधे को आप कितने बार भी फोन करो वो तो लेगा, आसानी से बात करता रहेगा और कभी नहीं सोचेगा कि ये सही टाइम है गलत टाइम है या मैं बिजी हूं ये हूं, उसको तो धम 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 उसी में रहेगा क्योंकि उसको तो कुछ करना नहीं आगे। तो ये हो गया, ऐसा कोई आदमी है रख लो उसको। तो उसमें क्या होगा, जो संखार उसका है उसमें प्यूरिटी रहेगा, तो मतलब इसमें काम छंद व्यापार नहीं रहेगा, तो वो ब्रह्म विहार करने के लिए सही आदमी है। तो आपको भी एक्सपीरियंस होना चालू हो जाएगा, जितना होगा उतना होगा, वो कुछ नहीं कर सकते कि ब्रह्म विहार आपको भी वैसा ही हो, वो तो नहीं पता, इतना तो हो जाएगा। अभी चौथा है अर्हत। अगर आपके लाइफ में कोई अर्हत मिल गया समझ लो आप पार गए, अभी जिंदगी में कोई रोने वाली चीज है ही नहीं है, वो मरने से पहले आप कुछ ना कुछ कर लो क्योंकि अभी चारों आपके पास है। आप सोतापन्न बन सकते हो, सकदागामी बन सकते हो, अनागामी बन सकते हो, अर्हत बन सकते हो, चारों खुल गए क्योंकि वो संखार निकल गया। अविद्या भी एक संखार है ना, क्योंकि आसव पच्चे अविद्या, अविद्या पच्चे संखार, संखार पच्चे विज्ञान, विज्ञान पच्चे नाम रूप, नाम रूप पच्चे सलायतन, सलायतन पच्चे फस, फस पच्चे वेदन, वेदना पच्चे तन्हा, तन्हा पच्चे उपादान, उपादान पच्चे भव, जाति जाति पच्चे जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायास संभवन्ति एवं एव केवलस्स दुख कंदस्स समुदय होती। अभी हम दुख में आ गए। अगर अर्हत है वो कहाँ काटेगा? आसव को काटेगा। आसव को काटने के बाद क्या होगा? आसव पच्चय अविद्या, अविद्या चला गया। अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोधो, अविद्या निरोधो संखार निरोधो, संखार निरोधा ऐसा विज्ञान निरोधो, ऐसे चलो चलो हो गया। एवं एव केवलस्स दुख कंदस्स निरोधो होती। तो आरत मिल गया काट दिया, अभी मजा करो जो करना है करो ना। आपका सील टूटेगा। ये अभी सील के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं कि आपको सांस पूरी ऊपर नीचे नीचे ऊपर और ये एनर्जी वो वगैरह कुछ भी है, चाहे आप गोयंका जी का ट्रेडिशन ले रहे हो, अजान ले रहे हो, किसी का ले रहे हो, सील है। सोतापन्न बन जाएंगे उसके बाद में सील की जरूरत ही नहीं है, हो गया सील का खत्म हो गया वहीं पे, अभी समाधि चालू हो गया क्योंकि सील तो उसमें इंक्लूडेड हो गया। अभी आपको सोतापन्न तो हो गए, सकदागामी अनागामी तक के लिए समाधि स्थित, पूर्ण तरह से समाधि स्थित होना चाहिए। समाधि स्थित हो गए तो समाधि निकल गया, मतलब अभी वो अनागामी बन जाएगा, वो फल प्राप्त होते ही समाधि हट गया, मतलब हर दम समाधि में रहेगा हर दम।
और उसका आवाज चेंज हो जाएगा, वो पहले जैसा बात करता था अभी जैसा बात करता है, दोनों में इतना अंतर आ जाएगा कि कभी कभी लगता है ये वही आदमी क्या हमने पहले देखा था, क्योंकि उसमें वो संखार निकल गया। काम छंद व्यापार का जो संखार उसमें अंदर था, जो अनुशय क्लेश था, वो बाहर निकल गया, तो हो गया, ये दो निकल गए, अभी अन्य एक ही बचा। अर्हत बनते ही पन्य भी निकल गया, अभी सील समाधि पन्य पूर्ण तरह से आ गया, संपूर्ण हो गया, इसलिए अर्हत। ठीक है, ये पूर्ण तरह से मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, जितना आप लोगों को समझ में आया, वो मुझे तो पता नहीं है, ये रविंद्र जी ने मुझे थोड़ा पागल कर दिया तो पूर्ण आ गया। उत्तर मिला आपको? यस सर। ओके, जितना मिला वो मुझे पता नहीं है, इसीलिए तो इसीलिए मैंने पूछा कि कल का एक्सपीरियंस क्या था, वो मुझे सुनना था कि कहाँ तक गए, उस हिसाब से पता चलेगा आप नहीं है, पद परम है, विपचितन्यु है, उगटितन्यु, ये चार चार गुण होते हैं हर एक में, हमारे हर एक में, तो वो मुझे जानना था कि आप कहाँ तक गए, मतलब आपका कल ये मेट्टा का किधर तक गए, जो मैं कह रहा था कि कहाँ तक आपका एक्सपीरियंस हुआ, अगर शेयर कर सकते हैं तो वहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि क्या मिला क्या नहीं मिला और आगे मुझे क्या करना पड़ेगा। सर में तो पूरा वाइब्रेशन था, वाइब्रेशन यानी छोटे 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 छोटे, और पाँव में था, बाकी बीच में कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं, और ऐसा लगा कि मेट्टा करुणा मुदिता उपेक्षा का कुछ एक्सपीरियंस हुआ। यस सर। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आँख नहीं खुल रही थी, ये सब सेशन बंद हो रहा था, मुझे समझ में आ रहा था लेकिन मैं आँख नहीं खोल पा रहा, तब तो बाद में 10 मिनट्स के बाद मैंने खोलिया, तब तो ठीक है, तब आपको वीसा मिल गया। सचमुच में मैं जोक नहीं कर रहा हूं, तो इसीलिए ये 6 तारीख को करेंगे 3 घंटे, देखते हैं कि क्या क्या होता है। यस सर। उस हिसाब से करना पड़ेगा कि हाँ इसको ये हुआ ये नहीं हुआ, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छी बात है आपने क्या किया, अगर आंख ने आंख खोलने की इच्छा नहीं हो रही तो मस्त है, नहीं होनी चाहिए, और पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि बंद क्यों हो गया। यस, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और कोई? बस इतने आदमी थे, अभी इतने लोग थे, एक सिर्फ एक ही, तो अगर कोई पूछेगा 10 सरदार 10 में एक ही बात किया तो ठीक है, नहीं जरूर हुआ होगा, वो शेयर नहीं करना चाहिए। या मुझे भी वही लग रहा है। हाँ जी सुप्रिया जी, सर जैसे मैंने आपको बताया ही है मेरा एक्सपीरियंस कल का, लेकिन एक मैं उसमें एक बात तो डालना भूल गई थी कि जो सांस अंदर आती है और बाहर आती है, तो अगर बाहर आती है अंदर से तो वो गर्म होती है नॉर्मली, लेकिन कल मुझे महसूस हुआ कि वो ठंडी ही थी। हाँ अब तो ठीक है, सही है। तो वो था एक एक्सपीरियंस, बीच बीच में मैं ब्लैंक थी, लेकिन जब मैं बॉडी को देख रही थी स्कैन कर रही थी तो संवेदना सुखद ही थी, सिर्फ सामने की पोर्शन में, सामने का पोर्शन में पेट से लेके चेस्ट तक वहां पे कुछ संवेदना नहीं थी, लेकिन बाकी सब सुखद ही संवेदना थी। हाथ जब पैर दुख रहे थे मेरे तो मैंने उसको रिलीज कर दिया, तो उसके बाद फिर
आपने बोला कि आप अभिमेयता दे सकते हो, जब तक बॉडी मुझे सुखद संवेदना नहीं थी तब तक मैं कुछ नहीं किया, जब अच्छा लगा तब मैंने मेत्ता शेयर की। तो अच्छा एक्सपीरियंस था कल का, क्योंकि जो कुछ भी वैरत्व तो किसी के साथ नहीं है, लेकिन क्रोध तो रहता ही है, राग मतलब मेरा क्रोध तो है, वो तो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट निकली मेरी, तो किस किस को बिठाऊं अभी सामने ऐसा था, तो कम हुआ है। और अभी जब किसी को भी देखती हूँ तो लगता है कि क्या करूं इससे क्रोध करके, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कल का। और शाम को जब मैं बैठी हूँ तो बस मेरे घर के सामने मतलब मेरे आंगन में ही आम का पेड़ है, तो इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो वैसे संवेद वो जो अनुभूति है वो ऐसी ही चलती रहे, वो बंद ना हो, लेकिन बाद में वो बंद हो गई। हाँ वो तो होगा जी, बट अच्छा तो, है आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा कि इसीलिए जिक्र किया, सारे लोगों को भी पता चले कि आप मुझे अकेले में जो वॉइस मैसेज भेजते हैं तो आप शाम को तो मिल रहे हैं, तो शेयर करो, आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि उससे प्रेरणा भी मिलती है। और हमें एक का प्रेरणा हर किसी को अच्छा लेना पड़ेगा, हमें सहारा भी चाहिए ना, कि एक कल्याण मित्र दूसरा कल्याण मित्र का सेवा करे या तो मदद करे, और एक तरह से प्रेरणा आ जाती। ठीक है, थैंक यू। और कोई? ज्योति ताई, क्या हो गया आपका? सर मुझे रोना खूब आ रहा था, मैं खूब रोई। हाँ रोई जब मैं, हाँ रोई मैं जब मेट्टा दे रहे थे तब मुझे बहुत रोना आ रहा था, और मैं रोई और वाइब्रेशन खूब था, मुझे सर से नीचे तक था वाइब्रेशन, और फिर सांस भी मेरी ऐसे कम कम होती गई, एकदम ठंडी होती गई। अच्छा है, रोना खूब आया और रोई, अच्छा है। हाँ जितने जितने आपने लोगों को रुलाया है आप रोना तो आएगा। हाँ। वो एक गाना है ना, रुला के गया सपना मेरा, वही है, गाते रहो, अच्छी बात है, रोना आना चाहिए। जितना रोना आएगा जब भी हम मिट्टा देते हैं, सचमुच में जितना रोना आएगा उतनी अच्छी है, उतनी मतलब उसमें कंपेयर कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बाकी लोग रोने का शुरू करें, ऐसा नहीं है, वो अपने आप आ जाए, अपने आप ही आएगा वो। पर मुझे नहीं आता रोना। हाँ वो तो आपने कहा था, आपको तो आता है, और यहाँ पे ये भी है, दीपिका भी है, वो तो रोती रहती है और पूछते हैं भी कि क्यों रोता हूँ मैं, क्या करूँ उसको। अच्छी बात है रोना, और क्या करना है, अभी तो रोना ही है, जैसे पैदा हुए रोते ही पैदा हुए, कोई हंस के थोड़ी पैदा हुआ, तो रोना तो है ही। वेरी गुड, और किसी को शेयर करनी है? मैं योगिता बात कर रही। हाँ जी योगिता जी, मैं भी तो 3 दिन हो गए ज्वाइन हो गई, रोहिणी जी ने मुझे ज्वाइन किया, लिंक भेजा था। हाँ बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, किसी ने आज तक ऐसा नहीं बताया था, मैं जितने भी शिविर अटेंड किए तो आप बहुत अच्छे बताते हो, अच्छा लगा। और कल का अनुभव मेरा था कि बहुत रोना आ गया था मुझे, ब्यूटीफुल। और वाइब्रेशन सर से स्पाइनल कॉर्ड तक ही हो था, नीचे भाग तो नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा टूट जाता था। तो? हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ सर बहुत अच्छे,
आपका मंगल हो, ऐसा ही हो। और कोई चलो, ये इतना आपको आना चाहिए कि आपको इंडिकेशंस अगर अच्छी तरह से होता है मेट्टा में, एक आता है रोना, एक आता है ठंडी, मतलब इतना ठंड लगेगा कि बहुत ठंड होना चालू हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बर्फ गिर रहा हो, वहाँ तक जाएगा। तीसरा होगा कि हर जीवी के ऊपर इतना तरस खाएंगे, ऐसा लगेगा अरे ये बेचारा है, अरे ये बेचारा है, अरे ये बेचारा है, ऐसा चालू हो जाएगा। पहले एक दिन पहले इसके ऊपर मैंने इतना मारा मारी किया था, अभी लगेगा इतना बेचारा है, प्यारा है, इतना बेचारा है, ऐसा लगना चालू हो जाएगा। अगर वो चालू हो गया तो सही रास्ते पे आ गए। इसीलिए ब्रह्म विहार का जो है ना, वो एक तरीका है निर्वाण प्राप्त करने का। चार तरह से हम कर सकते हैं निर्वाण प्राप्त, और एक है ब्रह्म विहार। अगर हम ब्रह्म विहार सही तरह से करेंगे तो चेतो विमुक्ति हो जाएगा, चित्त विमुक्त हो जाएगा। चित्त विमुक्त हो गया का मतलब निर्वाण प्राप्त हो गया। इसीलिए मेट्टा करना जरूरी है। हर दिन करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज है, उपोसत्ता के दिन आप करेंगे बढ़िया हो जाएगा। पहला हमें सवेरे मेट्टा देना पड़ेगा हर किसी को। अपने आपको देखना है कि हम कैसे हैं, कैसे बने हैं, अच्छा चल रहा है लाइफ में, क्या है वगैरह, वो देख के फिर देखते जाओ। एक घंटा 4 बजे उठे, थोड़ा सांस के ऊपर देखा, पहले बुद्ध वंदना किया, फिर सांस के ऊपर देखा, फिर मिट्टा चालू कर दो अपने आप के ऊपर, फिर हर किसी को कह दो तो रोना आ जाएगा, इतना रोना आ जाएगा। जितना रोना आता है उतना अच्छा है, रो लो। अभी मस्त हो जाएगा। अभी आप कहीं पर भी जाओगे इतना चमकते रहेंगे, मतलब इतना अच्छा आपको वातावरण मिलेगा। आप ऑफिस जाओ या स्कूल जाओ, आपका जो कोई भी काम है उस दिन इतनी अच्छी तरह से आपका काम होएगा। और रात में सोना जो है ना, नींद, वो एक भी आपको ये नहीं आएगा, क्या कहते हैं, एक भी आपको सपना नहीं आएगा। गहरी नींद छोटा रहेगा, मतलब आपका सोने का अगर 10 घंटे होगा तो 6 घंटे में उठ जाओगे, अगर 6 घंटा है तो 4 घंटे में उठ जाओगे, और बहुत ही अच्छा है तो आपके लिए 2 घंटे का या 3 घंटे का नींद बहुत हो गया। फ्रेश, ये एडवांटेज है ब्रह्म विहार का। तभी हम जागरियान योग कर दिया, जागरण करने का हमें आ गया, क्योंकि मेट्टा से ही हम जागरण कर सकते हैं, किसी और से तो हम जागरण नहीं कर सकते। क्योंकि खाना बंद होना चाहिए, तो भोजन मत्य नुत्त, तो भोजन तभी कम होगा जब भी हम पूर्ण तरह से भर गए हैं। अगर मेट्टा देते हैं तो हम भर जाएंगे, भूख मिट जाएगी। जब भी भूख मिट जाती है तो अभी हम एक बार खाना खाएंगे तो भी पेट भर जाएगा, या मैक्सिमम 2 बार बस हो गया। नहीं तो हम फोर्सफुली उसको करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, तभी एसिडिटी वगैरह वगैरह वो चालू हो गया, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे आप खाना नहीं खा रहे हो भाई, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है, तो मेडिकली तो आपको खाना चाहिए। तो बुद्ध भगवान कहते हैं मत खाओ, और डॉक्टर कहता है खाओ, अभी क्या करूँ, अब पागल हो रहा हूँ, डॉक्टर को सुनूँ या बुद्ध को सुनूँ, ये कन्फ्यूजन चालू हो गया। मैं मेट्टा के बिना भूख मिटेगा नहीं, हम जितना देंगे उतना पेट भरेगा। इसलिए पहले मैत्री देते हैं, फिर करुणा देते हैं,
फिर मुदिता देते हैं, फिर उपेक्षा देते हैं, तभी पेट ठंडा हो गया। जैसे कहते हैं ना, कोक ठंडा हो गया, तब जो स्त्री है वो कोक से जो पैदा बच्चा हो गया अभी वो ठंडा हो गया, क्योंकि उसका बच्चा आ गया। एक स्त्री के लिए वो एक बेटा या बेटी होना बहुत ही आवश्यक है, तो उसको आ गया, वो माँ बन गई, तो वो दे सकती है। उसने अपना देह को दान में बच्चे को दे दिया। इससे अच्छा दान और कुछ है ही नहीं है। तो इसीलिए माँ को देखभाल किसी को भी करना चाहिए, मतलब चाहे वो लड़का हो, माँ को देखभाल करनी चाहिए। लड़की है भी माँ को देखभाल करनी चाहिए। वैसे तो बेटा होता है तो उसको ज़्यादा माँ के बारे में सोचनी चाहिए बेटी के अलावा, क्योंकि वो भी तो दान करेगी, ये कुछ दान नहीं करेगा, इसीलिए उसको ज़्यादा माँ को देखभाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऋण में आ गया। ये जो बच्ची जो है, ये लड़की जो है, फिर माँ बनेगी तो वो दान करेगी। तो हर कोई माँ तो उसका देह दान कर रही है पूर्ण तरह से। तो 9 महीने का उसने दान किया है, जब से वो बच्चा या कोई जीव अंदर आया है तब से 9 महीना खत्म होके 10वां महीने में वहां तक फिर दूध पिलाया उसने, मतलब उसने जितना था उसने ले लिया। तो इसीलिए माँ महान होती है, क्योंकि उसने इतना काम किया है, तब उसने दान में दे दिया ना, और क्या देना उसको, उसने अपना ही बॉडी को दान में दे दिया ना। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपने 2 बार किए, 10 बच्चे हैं तो 10 बार किए। हाँ, ये काम वासना भी है, इसीलिए तो वो होता है। अगर काम वासना निकल गया, वो स्त्री में काम वासना निकल गया, तो इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि उसने इतना दान कर दिया। तो उसके लिए मैत्री चाहिए, माँ के लिए मैत्री चाहिए। तो मैं बेटा हूँ, मुझे माँ के लिए ज़्यादा मैत्री करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी माँ है। अभी मेरी माँ तो मेरी माँ है नहीं, हर स्त्री को अभी मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि हर स्त्री एक माँ है। तो जिसको भी देखूँ, अभी माँ देख रहा हूँ उसमें। अभी वो क्या होगा, वो उस करने से काम वासना निकल जाएगी, तो काम छंद निकल गया। अभी काम छंद निकल गया तो ये आराम हो गया, अभी ऋण नहीं है। इसीलिए सामान्य पलसुत्त में बुद्ध भगवान कहते हैं कि काम छंद ऋण है, ऋण को काटना चाहिए। कैसे काटेंगे, अभी मैं जिस स्त्री को देखता हूँ लगता है कि अरे ये कितनी अच्छी है, इसलिए माँ आना चाहिए इसके अंदर। एक बार माँ आ गई, बस हो गया, अभी वो ऋण से मुक्त हो गया, अभी वापस नहीं आएगा, वो कुंभ में नहीं आएगा। यही है, यही सीक्रेट है उसका। तो हर बार वो स्त्री को देखता रहेगा, अरे कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, मतलब वो वहां पे आएगा 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 आएगा, आता ही रहेगा। अबले पगले, तुम्हें आना नहीं है तो पहले माँ की तरह देखो, बस हो गया, क्योंकि वो उसने दान दिया है भाई। तो यहाँ पे जितने भी माताएं बैठी है सबको प्रणाम। अभी हम मेट्टा दे सकते हैं। अब रविंद्र जी, आपने पूछा था कोई स्त्री पुरुष को दे सकता है, पुरुष स्त्री को दे सकता है, अगर माँ की भावना है क्यों नहीं दे सकता। अभी मेरे पास इतने माँ बेटे हैं तो हर किसी को दे सकता हूं, क्योंकि इसमें काम वासना नहीं है, क्योंकि कोक में तो पहुंच जाऊंगा, अभी वहां पे पहुंचना नहीं है। तो दान इन्होंने दिया है, जिन जिन को इन्होंने पैदा किया है, मतलब जिन जिन को इन्होंने सहारा दिया है,
ये कहते हैं कि मेरे दो बच्चे हैं वो, पर उन्होंने सहारा दिया उसको, वो परवरिश किया है, और मेरी माँ भी परवरिश किया है, और मेरी जो पत्नी बनी है वो भी माँ है, इसीलिए मेरा पत्नी नहीं है वो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मेरी पत्नी है, क्योंकि मेरा पत्नी है ही नहीं है, वो भी एक माँ है और मेरी माँ है वो, क्योंकि अभी मेरी माँ मर गई है तो दूसरी माँ कौन है, वो मेरी पत्नी है, तो काम कहाँ जागेगी। ऐसा जैसे उस दिन मैंने पूजा इनकी बेटी के साथ बात कर रहा था, और उनका दूसरा बेटी है उससे भी बात कर रहा था, तो अभी मेरे पास कितने हो गए, अगर मैं गिनती करूं इतने लोगों की तो इतना माँ है, मतलब फ्यूचर माँ को भी देख लिया, अभी जो माँ यहाँ बैठे हैं उनको भी देख लिया, उनका बच्चा बना है और इनका बना नहीं है, पर देखा जाए तो माँ ही माँ है ना, और क्या है। तो अभी आप जितना मिट्टा देना है दे दो, किसी को क्या करना है दे दो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही तो होगा। तो मिट्टा मुदिता दो दे सकते हैं, दीदी मैं एक बेटे की तरह माँ को मिट्टा दे सकता हूँ, मतलब मैत्री भाव कर सकता हूँ, और मुदिता मतलब इतने अच्छे हैं माँ तो ये कर सकता हूँ, और दो मतलब करुणा इनके पास ज़्यादा है, अगर करुणा ही नहीं है तो ये माँ कैसी बन सकती है, ज़रा सोचेंगे, क्योंकि परवरिश करेगी, फिर वो बच्चा पेट में है और वो खाता है, इसको लात मारता है पेट में और वो सहती है, फिर नॉर्मल डिलीवरी है वो दर्द लेती है, तो करुणा नहीं है तो क्या है, तो करुणा से तो वो देखती है, वो कभी भी ऐसा नहीं कहती कि ये कौन साला आ गया मेरे पेट में, नहीं, बाहर आने के बाद दूध पिलाती है, खाना तो दे रही है ना, और जब तक वो बेटा या बेटी बड़े नहीं हो जाते और वो बड़े भी हो गए फिर भी कहती है मेरे बच्चे, इसीलिए बुद्ध भगवान ने वो करणीय मिट्ट सूत्र में वो लिखा है कि माता यथा नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तम अनुरक्षी एवं पि सब भूतेषु मान संभावये अपरिमानम। ये मुझे बहुत ही क्या कहते हैं रोना आना चालू हो जाता है ये क्योंकि मुझे तो हर कोई ऐसा ही दिखता है, तो जितना मिट्टा भेजना है भेजो, ये बात है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर हर किसी को मिलूंगा तो अच्छी बात, तो इतने माताओं का एक बार दर्शन हो जाएगा। और मुझे मेरा सौभाग्य इतने माताएं आ रही है, और ये पुरुष लोग बहुत कम है ये हमारे ग्रुप में, मुझे कभी कभी लगता था क्या रविंद्र जी को कोई पुरुष नहीं मिला क्या, सिर्फ जिसको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ माता ही है, वो बाकी तो बाकी लोग किधर गए। ग्रुप में ऐसे होता है ज्यादा करके मिला ही होती है, पुरुष बहुत कम होते हैं। वही मेरे समझ में नहीं आया कि उनको सफरिंग रियलाइज नहीं होती है ना वो, शायद हाँ सही शायद, इसीलिए मैंने आपको कल कहा था ग्रुप लीडर आप हो, आप जो कहेंगे ये माताएं सुनेंगी, ऐसा नहीं है सर ऐसा। ठीक है, तो ये होता है मिट्टा पूर्ण तरह से अगर करेंगे तो मिट्टा मुदिता हम देंगे, करुणा उनके पास है, उनका करुणा से हम जी रहे हैं, तो परवरिश तो वो कर रही है, हम खुद
हम खुद परवरिश कर नहीं सकते, माँ तो चाहिए। जैसी मेरी पत्नी है ना, वो इतनी सेवा करती है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या पुण्य किया है। इस माँ ने मुझे इतना दे रही है, कभी टोकती नहीं है, आती है कहती है 10 बज गया, तो आपका सोने का वक्त हो गया, और सुलाती है, उठाना है तो उठाती है। अभी वो कह पूछती है कि अभी भूख लगा, हाँ लगा, तो खाना बना के देती है, और ऑफिस पहुंचते ही पूछती है कि पहुंचे क्या, मुझे ही उसको मैसेज करना है मैं पहुंच गया, नहीं तो उतावले होती है। तो ये माँ जो करती है शायद मैं कभी ना कर पाऊँ, इतनी अच्छी माँ मुझे मिली है। मतलब मेरी असली माँ तो मर गई, ये दूसरी माँ तो मेरे पास है, इसलिए मेरे पास कोई पत्नी नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को पत्नी बनाऊँ, अभी तो बहुत लेट हो गया, क्योंकि मेरे पास पत्नी है ही नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, बस इतना ही कह सकता हूँ आज, नहीं तो बहुत रोना आ जाएगा। आपको कुछ कहना है तो कह दो, नहीं तो आगे कुछ नहीं आ रहा है। क्या करें, यहीं पे समाप्त करें? ठीक है, फिर वो सुप्रिया जी आपका ही कर दो, अभी वो आवेरा हो तो भी नहीं होगा, वो अगर कहूँगा तो रोना आ जाएगा। कायेन वाचा चित्तेन साधु। थैंक यू सर, थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू सर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय सर, कल मिलेंगे फिर। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।